हम लिखते हैं एक हाथ से, बाएं से या दाएं से, लेकिन जेन की सात लड़कियां लिखती हैं दोनों हाथों से एक साथ, और वह भी स्पीड से और सुंदर लिखाई में। जाने माने साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से प्रेरित होकर इस हुनर में माहिर हुई एक ही क्लास में पढ़ने वाली ये लड़कियां, इन लड़कियों का हुनर आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिखते थे। नरवाना का गांव ओझाना करीबन 6 महीने पहले की बात है। यहाँ के स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा में साइंस की क्लास चल रही थी। मुख्य अध्यापक कुलदीप सिंह बच्चों को साइंस का विषय पढ़ा रहे थे। इसी दौरान रिलेटिविटी के सिद्धांत टॉपिक पर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जिक्र आया। मुख्य अध्यापक कुलदीप सिंह ने बताया कि आइंस्टाइन दोनों हाथों से लिखते थे, ऐसा उन्होंने रोजाना की प्रैक्टिस से हासिल किया था। बस इतना ही कहना था कि इस क्लास की कुछ सहेलियों ने मन में ठान लिया कि वे हर रोज दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करेंगी और ऐसा करके ही दम लेंगी। अब तो खेल खेल में मुख्य अध्यापक इन बच्चों से दोनों हाथों से लिखवाने लगे। बस इसके बाद तो इस क्लास की प्राची, मोनिका, मनु, ईशा, पूजा, वंदना व प्रिया ने इसे अपना जुनून बना लिया। ये लड़कियाँ सुबह शाम दोनों हाथों से लिखने की प्रैक्टिस करने लगी। खाली पीरियड में भी मौका मिलता तो ये अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देती। धीरे धीरे ये लड़कियां दोनों हाथों से लिखने लगी, लिखने की स्पीड भी बनने लगी और लिखावट में भी सुधार आने लगा। अब तो ये लड़कियां दोनों हाथों से एक साथ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और यहाँ तक कि पंजाबी भी फराटेदार लिख लेती हैं। ये लड़कियां गरीब परिवारों से संबंध रखती हैं। इनके परिवार के सदस्य छोटी मोटी खेती करते हैं। इन्हें बड़ी खुशी है कि इनकी बेटियाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं। शुरू शुरू में लिखने लगे तो हम खेल खेल में लिख रहे थे सर, फिर बाद में हमें प्रेरणा मिलेगी सच में। लिख सकते हो आप दोनों हाथों से? और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम ऐसे लिख सकते हैं और बहुत मजा आता है लिखने में। सर की मोनिका है जी, वो दोनों हाथों से लिखती है जी। हमें तो पता चला कि दोनों हाथों से लिखती है। ये तो कुलदीप मास्टर जी की मेहनत है और इन गुड्डी की मेहनत है। इन्होंने अच्छा काम किया, हमें बड़ी खुशी हुई। तो हम चाहते हैं कि लड़की अच्छी तरक्की करे और गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाए, अपनी मेहनत रखे। प्रिया है जी, हमारी लड़की नाम प्रिया है, वो दोनों हाथों से लिख लेती है जी। ये मास्टर जी की तरक्की मानो जी, जो ऐसे काम किया है, दोनों हाथों से लिखती है लड़की। तो ये लड़कियां तब से लिख रही हैं, अब इनकी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा हो उसके स्पीड बढ़े। अब भी आपने देखा इनकी स्पीड अच्छी हुई है, फिर भी मैं और भी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। और इनके आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके कई माता पिताओं को तो ऐसे भी नहीं पता कि हमारे बच्चे पढ़ते कौन सी क्लास में। बिल्कुल अनपढ़ माँ बाप हैं, खेती करते हैं और उन्होंने इन बच्चों को मेरे हवाले ही छोड़ा हुआ है। नरवाना से जाट टीवी न्यूज के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट।